तो आपकी लगभग 13 समाप्ति की ओर है और आपका एग्जाम भी हो चुका है, तो अब आप लगभग बैंक से भी बनी गए हो, तो सबसे पहले आप सभी को इसके लिए बधाई। और अब आप जो फील्ड में जाके वर्क करोगे, फोकस आपका उस पर होना चाहिए, है ना, इसी पर तो होना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रेंड कर दिया गया है। ट्रेंड होने के बाद में आपको अपने फील्ड में उतरना है और फील्ड में अपना बहुत अच्छे से वर्क करना है। अब वो वर्क किस तरह से करना है, सबसे पहले तो आप बैंक में जाओगे तो बैंक में अपनी खुद की एक पहचान, अपनी एक खुद का स्थान बनाने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ में जागरूक होके वर्क करना है। कैसे करना है? जागरूक होके वर्क करना है, क्योंकि आप ही एक ऐसी पहचान रहोगे अपने समूह के लिए, अपने समूह के सदस्यों के लिए, अपने आसपास के क्षेत्र के लिए, जो कि आपके पास आएंगे वो आपको देखकर अपने जो समूह के पैसे जमा करने हैं, जमा भी तो करने हैं ना, तो वो आपके पास एकदम से आए कि दीदी हमारे समूह का नाम ये है और हमें इतने पैसे जमा करने हैं। एक तो वो कस्टमर हो गए, एक दूसरे ऐसे आएंगे जिनको खाता खुलवाना है, वे किसी का नया नया समूह खुला है तो उनको बैंक में जाके अपना खाता खुलवाना है, तो खाता भी खोलने की क्या रहेगी आपके ऊपर, उसकी भी जिम्मेदारी रहेगी, मतलब आपका भी उसमें सहयोग और योगदान रहेगा खाता खुलवाने में समूह का। और समूह की बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो पैसे निकाल लेती हैं या फिर जमा कर लेती हैं और उनको अपने किताब के ऊपर एंट्री नहीं हो पाती है, वो बेचारी अपनी पासबुक उठाए घूमती है, कभी इस काउंटर पर, कभी उस काउंटर पर। आप वहां पर होंगी तो सबसे पहले आप वो आपके पास आएंगी और आपसे कहेंगी दीदी हमारे समूह की पासबुक ये है, उस पर एंट्री करवानी है। तो आपका दायित्व ये रहेगा कि हाँ ठीक है मैडम, आप बैठ जाइए, मैं आपकी समझ के आएंगे इसमें करवा, ठीक है। खाता खोलना हो गया, समूह के खाते से पैसे का लेन देन हो गया और नया समूह का खाता खुलवाना हो गया, और जो आपका मेन और सबसे मतलब उस पर आपको फोकस करना ही चाहिए, जो समूह के लिए बैंक की बहुत सारी योजनाएं जो चलती होती है, जो समूह के लिए बहुत स्पेशल होती हैं और जो महिलाओं को, गांव में रहने वाली महिलाओं को पता ही होना चाहिए, कौन कौन सी योजनाएं वो सारी आपको पढ़ाई गई हैं, अच्छे से यात्री करवा दी गई हैं और उनका क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप महिलाओं का उसमें रजिस्ट्रेशन, आपको उसमें खाता में ऐड करवा सकती हूँ, वो सारी चीजें बता दी गई हैं। जैसे कि जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, इन योजनाओं के बारे में भी आपको महिलाओं को जानकारी देनी है। बैंक में जाऊंगी तो वहां जाके किससे बात करूंगी, और बात भी करूंगी तो मैं क्या बूझूंगी, बहुत सारी चीजें उसके माइंड में ऐसे चढ़ी होती हैं, चल तो रही होती हैं लेकिन वो शब्दों के रूप में उसे बैंक मैनेजर सर होते हैं, फील्ड ऑफिसर होते हैं, जो जेंट्स बैंक में होता है स्टाफ, उनसे नहीं बता पाते हैं, लेकिन वो जैसे ही आपको देखेंगी वैसे ही वो अपनी समस्या आपके सामने रखेंगी। फिर समूह में जब 10-12 औरतें महिलाएं रहेंगी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं, फिर कुछ टाइम से पैसे जमा कर देते हैं, कुछ नहीं भी करती हैं, तो वो समस्या का समाधान भी आपको सुलझाना है, मतलब आपको बताना है कि आप ऐसे नहीं करके इस तरह से कर लीजिए, जिससे कि उनका समूह भी अच्छे से चलता रहे। एक और चीज, मान लो आपके समूह, कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनका लोन CCL हो गया होता है, हो गया, अब उनके CCL में होने के बाद में उन्होंने कितने पैसे समय से वो जमा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्योंकि जिस टाइम CCL हो चुका होता है उन महिलाओं का समूह कुछ तो वो पैसे उठा लेती हैं कि जी भैंस लेगी, कुछ अपना छोटा मोटा रोजगार कर लेती हैं, कुछ पैसे जमा करके रखती हैं अपने, कुछ पारिवारिक घर के खर्चों में कर देती हैं, लेकिन उस समूह के लोन को सही से चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि आप अगर बैंक में हो तो जितने उस बैंक से लोन गए हैं, CCL हुए हैं समूह के, वो अगर कहीं ना कहीं इधर उधर हुए तो वो बात किस पे आएगी, बैंक सखी, और बैंक सखी का कार्य अधिक से अधिक अच्छा तभी होगा जब वो अपने क्षेत्र के जितने भी समूह के CCL हुए हैं उनको सही से चलवाए, और वो आपको एक बैंक की लिखित बहुत सारी भाषाएं तो ये होती ही है, आपको एक और चीज पे फोकस करना है कि आपका व्यवहार ऐसा हो जो समूह की दीदियां हैं वो आपको ऐसे ऐसे समझें कि ये एक बैंक में तो वर्क कर ही रही हैं, हमें सपोर्ट तो करेंगी करेंगी, हमारी जो समूह में समस्या चल रही है
जिस वजह से वो पैसे नहीं जमा करा पा रही हैं या फिर उनके पास में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो भी सुलझा देंगे। तभी सही से कर पाएंगी जब आप फिजिकली सही होंगी और मेंटली फिट होंगी। मेंटली फिट होने के लिए आपको अपने माइंड में स्ट्रेस नहीं पालना है।